वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस क्लास में आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस की बात करेंगे हम। तो लास्ट दो तीन वीडियोस में हमने आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं, चाहे तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। और ये किसके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपको बताने वाले हैं हम। इसमें क्या होगा, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप एप्लीकेंट हो नेटर चंडीगढ़ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के या सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के या PGI डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम जो आपका कब होने वाला है। साथियों, 18 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है। 18 अप्रैल को होगा, एडमिट कार्ड आपके 11th अप्रैल से अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, ई एडमिट कार्ड जो है इसके। तो अगर आप इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंप्यूटर एक वाइटल रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम में। तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव रहेगी। फर्स्ट टाइम व्यूअर है अगर कोई हमारे चैनल का, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो चलो साथियों, बात करेंगे आपकी क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, हेल्पफुल रहेंगे ASO एंड SSA एग्जाम के लिए और PGIO के डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अ वर्ड ऑन अ वेब पेज विच ओपन्स अदर डॉक्यूमेंट वैन क्लिक ऑन इट इज कॉल्ड अ। ये बोल रहा है कि कोई वर्ड होगा एक वेब पेज पे, ठीक है, इस तरह से कोई वर्ड होगा, है ना। यहाँ पे मान लो लिखा है GOVT, गवर्नमेंट, इस तरह से लिखा है। अगर इस पे आप क्लिक करने से कोई अदर डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हाइपर लिंक बोला जाता है, ठीक है। वैसे आपको पता होगा, ये जिन साथियों को नहीं पता है वो इस चीज़ को नोट करना, क्या बोलेंगे उसको हम, हाइपरलिंक बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा, सिंपल एक लिंक होगा। जैसे हम, आप सोचो हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो इस तरह से एक डब्बा जैसे लिखा होगा, मान लो ई एडमिट कार्ड बना होगा, जैसे इस तरह से एक बॉक्स होगा। इस पे हम अपना कर्सर ले जाके जैसे ही एरो क्लिक करते हैं तो क्या होता है, एक न्यू वेब पेज ओपन हो जाता है जिसमें हम अपना पासवर्ड, यूज़र नेम, कैप्चा कोड फिल करते हैं और अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो हाइपरलिंक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट बड़ी हेल्पफुल चीज़ है। वेब पेज ओपन हो जाता है जब आप उस पर क्लिक करते हो। अ डिवाइस विच सेंट डाटा बाई टेलीफोन इज़, एक डिवाइस जो डाटा को भेजती है किसके थ्रू, टेलीफोन्स के थ्रू, तो क्या होता है उसको, मॉडम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मॉडम बोलते हैं। अब देखो आपने क्या करना है, पहले तो मुझे इसकी फुल फॉर्म कमेंट में अभी बतानी है आपको, अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे हो तो, ठीक है। एक क्वेश्चन के बाद या दो क्वेश्चन के बाद मैं आपको इसकी फुल फॉर्म ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। चलो, कमेंट करना भूलना मत बिल्कुल भी। याहू, गूगल, MSN, ये सुने होंगे आपने। याहू का नाम सुना होगा, याहू, ठीक है, गूगल का नाम सुना होगा, MSN पहले चलता था, सुना होगा नाम। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके सर्च इंजन हैं या इंटरनेट की साइट्स हैं, ठीक है। सर्च इंजन भी बोल सकते हैं इनको या अपना इंटरनेट साइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इंटरनेट साइट। चलो रिवाइज कराता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। अ वर्ड ऑन वेब पेज विच ओपन अदर डॉक्यूमेंट विच क्लिक ऑन इट, दैट इज हाइपर लिंक। अ डिवाइस विच सेंड डाटा बाई टेलीफोन, उसको मॉडम बोलते हैं। याहू, गूगल, MSN क्या है, आपके इंटरनेट की साइट्स हैं। तीन क्वेश्चन हमने अच्छे से किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट। कोई वेबसाइट है, अब वेबसाइट बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे www.pgimer.edu.in, इस तरह से अगर मान लो एक साइट है कोई, ठीक है। तो इसका ये एड्रेस जो होगा इस साइट का, वो एड्रेस क्या होता है, वो आपका URL होता है। क्या होता है आपका, URL। अच्छा, इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, पिछले क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा मैं, मॉडम पूछा था मैंने आपसे, ठीक है, कि मॉडम क्या होता है। तो साथियों, मॉडम क्या होता है, मॉडम होता है MODEM, तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर। क्या बोलते हैं इसको, मॉड्यूलेटर। और DEM को बोला जाता है डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। क्लियर हो गया, जिस जिसने कमेंट किया होगा उसको पता है, जिसने नहीं किया वो आंसर अब चेक कर ले, ठीक है। चलो, नया क्वेश्चन आपके लिए रेडी है कि URL की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो ये आपने कमेंट करके अभी बताना है, मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ। ये इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया इन,
अब इंटरनेट तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन इंडिया में कब हो गया था, हमें इंडिया से मतलब है ना, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ था। तो इंडिया में स्टार्ट हुआ था साथियों 1995 15 अगस्त को, ठीक है, कब हुआ था, 15 अगस्त 1995 को आपका स्टार्ट हो गया था इंटरनेट इंडिया। यूआरएल की फुल फॉर्म आपसे मैंने पूछी है, थोड़ी देर में मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। डॉट कॉम का मतलब किससे होता है, डॉट कॉम का मतलब होता है आपका कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। अगर कहीं भी आपको डॉट कॉम देखने को मिलता है तो समझ जाओ वो ऑर्गेनाइजेशन आपका कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उसको बोलते हैं हम डॉट कॉम साइट, ठीक है। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। आईपी एड्रेस इज अ डैश बिट नंबर। आप देखो इन क्वेश्चंस के लिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूँ, बैकग्राउंड में प्लीज़ अगर आपको कोई साउंड सुनाई देती है तो इग्नोर करें। आईपी एड्रेस इज अ डैश बिट नंबर, कितने बिट का नंबर होता है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे आपको। 8 बिट का नंबर होता है, 32 बिट का नंबर होता है, या 64 बिट का नंबर होता है, ठीक है। तो आपने कमेंट करके बताना है, मैं आपको माइक्रो तो नहीं कहूँगा, 2-3 सेकंड का टाइम देता हूँ, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर दो अभी, ठीक है। बाकी मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ इसका कि कितने बिट का एड्रेस होता है आईपी, ठीक है। तो ये आपने चेक करके बताना है मुझे, आंसर होगा आपका इसका 32 बिट। कितना होगा, 32 बिट होगा। कोई अगर करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मुझे बता सकते हो आप। यूआरएल क्या होता है आपका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपका यूआरएल की फुल फॉर्म है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछी थी। आईसीएमपी क्या है आपका, आईसीएमपी है एक एरर रिपोर्टिंग, क्या है आईसीएमपी, एरर रिपोर्टिंग, द एड्रेस ऑफ अ पेज और डॉक्यूमेंट ऑन www का मतलब वही वेब पेज हो गया, उस पर अगर कोई एड्रेस है किसी पेज का तो वो क्या होगा, यूआरएल होगा, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब यूआरएल की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको, वो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है, रिपीट कर देता हूँ अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो, यूनिफॉर्म रिसोर्स ठीक है लोकेटर, ये आपकी यूआरएल की फुल फॉर्म देखने को मिलती है। टू रीलोड अ वेब पेज प्रेस द डैश बटन। अब कोई ब्राउजिंग करते हो आप, गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है, अगर किसी टैब को आपने रीलोड करना है तो क्या करोगे, रीलोड पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, होता है ना इस तरह का, इस तरह का आपको इस तरह का बटन दिखाई देता है या इस तरह का बटन दिखाई देता है, तो ये रीलोड बटन है, इस पर क्लिक करोगे वेब पेज दोबारा से ओपन हो जाएगा, ठीक है। साथियों प्लीज इग्नोर करना, बैकग्राउंड कोई साउंड आपको अगर सुनाई देती है तो। द सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड एज, द सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट रेफर्ड एज, सॉफ्टवेयर यूज करते हो जो आपका टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट बनाता है, ठीक है, मतलब आप कुछ वर्ड टाइप करते हो उसमें, तो उसको क्या बोला जाएगा उस सॉफ्टवेयर को, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, ये वर्ड प्रोसेसर्स बोला जाएगा, सूट्स बोला जाएगा, स्प्रेडशीट बोला जाएगा, या क्या बोला जाएगा। तो साथियों वर्ड की बात की गई है, टेक्स्ट की बात की गई है, ये आपका वर्ड प्रोसेसर में होता है, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसर कौन कौन से, जिस तरह से आपका एमएस वर्ड होता है, ठीक है, ये आपके वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, फाउंड कब हुई है ये भी आपको बताना है, फाउंडर कौन है ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो देखो फाउंडर हैं इनके पॉल एलन, बिल गेट्स, क्रेग बाकले, या पॉल एलन एंड बिल गेट्स, तो ये आपके चार के चार ऑप्शंस मैंने दिए हैं, अब आपको कमेंट करके बताना है ये, और मैं आपको टोटल 4 या 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, या वीडियो पॉज करके आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो साथियों इसका आंसर होगा आपका पॉल एलन एंड बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट इज फाउंडेड इन, तो कब फाउंड हुआ, 4 अप्रैल 1975 को, कब हुआ, 4/4/1975
1975 ये आपने याद रखना है, ठीक है। एजी रहेगा आपके लिए 4 4 से 75 याद रखना, ठीक है। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट है। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर आपने याद रखना है, ठीक है। विंडो 98 कब लॉन्च हुई, तो बहुत इजी हो जाएगा अगर मैं आपको बोलूंगा कि 1998 में ही विंडोज 98 डेवलप हुई, ठीक। तो आंसर होगा इसका 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल द डिलीटेड फाइल गोज टू, सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, रिसाइकल बिन में जाते हैं, ठीक है। आपने एक डब्बा सा देखा होगा होम पेज पे, इस डब्बे में कोई भी फाइल आप डिलीट करते हो तो चली जाती है, वहाँ से आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हो, ठीक है। अगर वहाँ से भी आप डिलीट करते हो तो एक तरह से परमानेंटली डिलीट हो जाती है। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है अगर परमानेंट किसी फाइल को आपने डिलीट करना है तो आप किस तरह से डिलीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बैकग्राउंड ऑफ अ स्क्रीन इज नोन एज, किसी स्क्रीन का बैकग्राउंड क्या होता है, डेस्कटॉप होता है, ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ स्क्रीन क्या बोला जाता है, उसको डेस्कटॉप बोला जाता है। डेटा कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन द, अगर डेटा को आप कॉपी करते हो किसी एप्लीकेशन से तो वो किस में स्टोर हो जाएगा भाई। कॉपी करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली कॉपी करने के लिए आप या तो कंट्रोल प्लस सी प्रेस करोगे या राइट क्लिक करके कॉपी कमांड पे क्लिक करोगे। तो कॉपी करने से क्या होगा, एक क्लिप बोर्ड होता है आपका, वहाँ पे वो डाटा सेव हो जाता है। किस में सेव हो जाता है, क्लिप बोर्ड में। फिर जब भी आप कंट्रोल सी किया ना, जब भी आप कंट्रोल वी पेस्ट करोगे तब तब वो डाटा आता रहेगा, कितने भी बार कर लेना चाहिए, आपको क्लिप बोर्ड में सेव हो चुका है आपका, ठीक है। वैन यू कट और कॉपी इन्फॉर्मेशन इज गेट प्लेस्ड इन, अब सेम क्वेश्चन है दूसरे तरीके से है, इजी है। कट कर लिया आपने या कॉपी कर लिया, अगर देखो कट करोगे तो वो उस जगह से उठ के दूसरी जगह चला जाएगा जब आप कंट्रोल वी करोगे यानी पेस्ट करोगे, और कॉपी करोगे तो वो इस जगह पे भी प्लेस रहेगा और आपका इस जगह पे भी आ जाएगा, ठीक है। सेम कमांड सेम यूज़ होगी, कंट्रोल प्लस वी, तो वो कहाँ पे सेव होता है, वो भी आपका क्लिप बोर्ड में सेव होता है, ठीक है। तो क्लू का क्वेश्चन था ये, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें। तो बैकग्राउंड किसी स्क्रीन का डेस्कटॉप बोला जाता है, कोई भी डाटा आपका कॉपी करते हैं तो क्लिप बोर्ड में सेव होता है, किसी डाटा को कट या कॉपी करते हैं तो भी वो क्लिप बोर्ड में सेव होता है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, बहुत छोटी क्लास है, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है ये, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। एंड दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम पर भी हम अवेलेबल हैं, सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। ये कंप्यूटर की क्लास आपकी बड़ी छोटी क्लास रही है, बाकी 18 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होने वाला है उस क्लास की अगर कोई कैंडिडेट पीजीआई चंडीगढ़ के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो वो प्लीज़ मेंशन करे कि उनको कोई मैराथन क्लास चाहिए, तो हम मैराथन क्लास एग्ज़ाम से आपको 3 4 डेज़ पहले प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपको साइड पेपर में देखने को मिल सकते हैं, जो हमें लगेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं फॉर द पोस्ट ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो साथियों हमें सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एंड थैंक यू, सी यू सून।